नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रामलला के दर्शन करने आए दो श्रद्धालुओं की थमी सांसें, दो दिन में हुई तीन घटनाएं। बागपत में दो बाइकों में भयंकर टक्कर, मौके पर तीन छात्रों की थमी सांसें, परिवारों में पसरा मातम। पीलीभीत में घर के अंदर बैठा तेंदुआ, बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम, टीम ने पकड़ा। सादाबाद पुलिस ने चोरी के दो टेम्पो सहित युवक किया गिरफ्तार, तमंचा बरामद। हाथरस में रोडवेज बस पर चढ़कर स्टैंड करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर पांच आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में उपचार के दौरान बंदी की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच, ACM प्रथम जांच अधिकारी नामित। लखीमपुर खीरी में गन्ने की पताई जलाने के दौरान आग लगी, लपटों में घिरने से किसान की थमी सांसें। जौनपुर जिले में फेरों से पहले दुल्हन फरार, जयमाला के बाद मंडप में इंतजार करता रहा दूल्हा, ढूंढते रहे घर वाले बैरंग लौटी। रेलवे स्टेशनों पर खुले में रखा सामान बेचा तो खैर नहीं, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। अमरोहा जिले में हाईवे पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, थम गए वाहनों के पहिए। बदायूं में ड्राई फ्रूट की दुकान में लगी भीषण आग, बाजार में मची खलबली, लाखों रुपए का माल जलकर राख। काशी में बार्म नाइट का अलर्ट, दिन में 44 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। आजमगढ़ जिले में छात्रा पर किया कमेंट, फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया वीडियो, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। घर ही बना मतदान केंद्र, लाइन ना कोई भीड़, आगरा में बुजुर्ग ऐसे डाल रहे वोट। वाराणसी में चलती गाड़ी में अचानक धुआं देखकर बाहर निकल गई, लोग धूं धूं कर जला वाहन। मिर्जापुर में बेटी की शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में शामिल होकर लौट रहा था परिवार, हादसे में पिता समेत दो की थमी सांसें, छह घायल। मथुरा में खनन माफिया ने पुलिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश, बाल बाल बचे उपनिरीक्षक और तीन पुलिसकर्मी। सोनभद्र में एक सप्ताह से 30 गांव में बिजली गुल, भीषण गर्मी में बिलबिला रहे लोग, किया प्रदर्शन। आगरा में दो पत्नियों के बीच ऐसा घनघोर चक्कर बना, पति बात पैसों की नहीं, समय साथ बिताने की है, थाने पहुंचा मामला। बरेली में दूसरे समुदाय के लोगों ने घर पर बोला हमला, परिवार के साथ मारपीट और तोड़फोड़। ये थी अभी तक की 20 बड़ी खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।